शहडोल संभाग में नवजात बच्चों की मौत का आंकड़ा सामने आने के बाद प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद शहडोल पहुंचकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। शहडोल एवं अनूपपुर के अस्पताल का दौरा करने के बाद मंत्री उमरिया जिला अस्पताल भी निरीक्षण करने पहुंचे, जिस दौरान सख्त तौर पर लापरवाही न बरतने की चेतावनी स्वास्थ्य विभाग को दी गई। अभी आप लोगों को जानकारी में है कि जो शहडोल में पिछले दिनों में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई, तो जो बच्चों के लिए हम लोगों ने सब जगह व्यवस्थाएं कर रखी हैं। शेड्यूल आया था, शेड्यूल में हमने पूरे संभाग की समीक्षा भी की है और हमने पूरे तीनों जिलों को संभाग के जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का नीचे का अमला है आशा कार्यकर्ता और ENM उनको डोर टू डोर सर्वे के सबको निर्देश दिए हैं, जिससे कि अगर कोई कुपोषित बच्चा है उसको भी आइडेंटिफाइड कर सकें, अगर कोई किसी तरीके से उसमें बीमारी है तो उसको हॉस्पिटलाइज जल्दी से ले जाया जा सके, जिससे कि भविष्य में बच्चों की मृत्यु ना हो। तो मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि शहडोल उमरिया और अनूपपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतने के निर्देश दिए हैं, जिससे बच्चों के डेथ रेट को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि मीडिया के कुछ सवालों से मंत्री बचते भी नजर आए। नहीं, ऐसा है कि जो दूरी जैसे उमरिया जो शहडोल के पास में गांव पड़ते हैं वो सीधे जिनको वहां करीब पड़ता है वहां पहुंच जाते हैं, यहां से अगर जहां से दूरी होती है और यहां पर पूरी व्यवस्थाएं हमारी हैं और अभी हम निर्देश देंगे जो जो भी कमियां होंगी उनको भी हम लोग ठीक कर रहे हैं, पूरा सर्वे कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, ये प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको दे रहे हैं उमरिया सीएमएचओ के भ्रष्टाचार का, उमरिया सीएमएचओ के भ्रष्टाचार का ये प्रूफ।